गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में काइनामेटिक्स पढ़ रहे थे। काइनामेटिक्स में अपन ने स्पीड पढ़ा और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। तो बेटा पहले स्पीड क्या होता है, यह आपको मैंने बता दिया कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल या टाइम टेकन, यही क्या होता है बेटा स्पीड। ठीक है, और स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले अपन पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड वही है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। क्या हो गया, यहां से आ जाएगा, देखो टोटल डिस्टेंस, एवरेज कैसे निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन, यहां से अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जो स्पीड की ऐसा यूनिट होती है वही किसकी एवरेज स्पीड की ऐसा यूनिट होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड से पहले अपन एवरेज स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड पे अपन कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो बेटा अपने को दो पॉइंट दे रखे हैं, ए बी। तो एक बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है कितनी स्पीड से, ए से बी की तरफ जा रही है कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फिर वापस बी से ए की तरफ आ रही है कितनी स्पीड से, 60 मीटर पर सेकेंड से। तो अपने को एवरेज स्पीड निकालनी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पहले अपन टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो बॉडी ने ए से बी की तरफ जा रही है, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया ए बी, वापिस भी किधर आ रही है, बी से ए, तो वापिस कौन सी डिस्टेंस, सेम ही डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ए से बी की तरफ गई वापिस, बी से ए की तरफ आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ए से बी की तरफ, ए बी प्लस बी ए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टू ए बी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टू ए बी। ठीक है, अब अपन निकालते हैं टोटल टाइम, अगर दोनों वैल्यू अपने को मिल जाए तो आप एवरेज स्पीड आ जाएगी। टोटल टाइम देखो कैसे निकालेंगे, देखो ए से बी की तरफ जा रही है, जा रहा है कोई बॉडी, तो उसकी स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम अपने को नहीं दे रखा, तो ए से बी की तरफ जो टाइम है मैंने ले लिया टी वन, कितना मान लिया टी वन, फिर बी से ए की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरफ जो टाइम है उसको मैंने मान लिया टी टू, अलग टाइम आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड अलग अलग है, तो टाइम भी क्या आएगा, अलग अलग। तो बेटा टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी वन प्लस टी टू। पहले अपन टी वन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो टी वन क्या है, टाइम, और आप जानते हो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे को टाइम निकालना है, तो टाइम को इधर मल्टीपल करते हैं, स्पीड को डिवाइड में ले आए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मेरे को क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो इधर जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, ए बी, इधर वाला टाइम ही तो है टी वन, इधर डिस्टेंस कितना है, ए बी अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, 40
40 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा ये टाइम आ गया ना, एफ बी अपॉन 40 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या है टाइम इस तरफ का, जिसको मैंने क्या लिया टी वन प्लस टी टू। टी टू कितना हो जाएगा, बी से ए की तरफ बॉडी वापस आ रही है, तो टाइम कितना लिया मैंने टी टू, ठीक है। तो टी टू कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है ए बी है, सेम ही डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है इस साइड भी और इस साइड भी, लेकिन स्पीड क्या है 60। तो ये बेटा टी टू आ गया ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को टोटल टाइम मिल जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 240, 40 में 240 का डिवाइड करेंगे, 240 में 40 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 ए बी, 240 में 60 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 ए बी, तो ये कितना मिलेगा 10 ए बी अपॉन 240, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया टोटल टाइम, तो अपने पास टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस है, तो इस एवरेज स्पीड का जो आंसर आएगा कितना आएगा, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 2 ए बी अपॉन टोटल टाइम कितना है बेटा 10 ए बी अपॉन 240, ये 240 रेसिप्रोकल हो गया ऊपर, 2 ए बी अपॉन 10 ए बी और मल्टीपल में कितना आ जाएगा 240, ए बी से ए बी कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल 5 टाइम, तो एवरेज जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 240 अपॉन 5 कितना आता है 48 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर एंड सेकेंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आर, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो बेटा एवरेज स्पीड बतानी है, सेम क्वेश्चन है, तो दो प्लेसेस है ए एंड बी, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली कि 2x है, कितनी मान ली 2x, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस मान लो कि यहां तक कितना आएगा x आएगा ना, 2x का हाफ कितना आएगा x, x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से 40 किलोमीटर पर स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस कितना आएगा x ही आएगा, कितनी स्पीड से कवर की उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की, ठीक है। तो अपने को एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है x प्लस एक्स कितना 2x, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस कितना x, x ट्रेवल करने में उसको कितने स्पीड से कर रहा है वो 40 किलोमीटर स्पीड से कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कर रहा है, मतलब यहां का टाइम मैंने t1 मान लिया, ठीक है। सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस कितने स्पीड से कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ का टाइम मैंने मान लिया t2, अलग टाइम आएगा ना क्योंकि डिस्टेंस सेम है स्पीड अलग अलग है, तो टाइम की भी क्या आएगा अलग अलग। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा t1 प्लस t2, तो t1 कैसे निकालेंगे वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 का टाइम ये डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितना है 40 प्लस t2 कितना आ जाएगा x, स्पीड कितना है 60, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा ये 10x अपॉन 240। अब सेम क्वेश्चन हो गया कि डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे ए बी की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, है ना, तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस कितना है 2x और टोटल टाइम कितना है बेटा 10x अपॉन 240, सोल्व करेंगे तो लास्ट में आंसर कितना आएगा 48 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपनी एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए, इसके बाद में अपन करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। थैंक यू।